सिंगरौली में एक आदिवासी किसान की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। अपनी ही जमीन पर माफियाओं से अवैध खनन को रोकने के चक्कर में इंद्रपाल अगरिया ने अपनी जान गंवा दी। अब इस घटना पर सीएम मोहन ने सख्त एक्शन लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सिंगरौली जिले के अंतर्गत एक गाँव में निवासरत आदिवासी किसान भाई की ट्रैक्टर से हत्या करने का मामला सामने आया है, जो बेहद दुखद और गंभीर है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। मैंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को तुरंत जांच के आदेश दिए थे और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। मध्य प्रदेश में कानून का राज है और इस तरह के अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र द्विवेदी के नेतृत्व में थाना के समक्ष धरना प्रदर्शन भी किया गया, तो वहीं प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि दलितों पर अत्याचार कब रुकेगा, इस पर सवाल भी उठाया है। आपको बता दें कि गन्नई गांव में पटेल नदी से खनिज माफिया ट्रैक्टर से अवैध रेत का परिवहन कर रहे थे। इसी दौरान गांव के रहने वाले इंद्रपाल अगरिया ने रेत परिवहन के दौरान फसल नुकसानी का हवाला देकर रेत परिवहन रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि पहले तो रेत माफियाओं ने उसकी पिटाई की, फिर उसे ट्रैक्टर से कुचल दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी रेत माफिया लाले वैश्य बीजेपी से जुड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।